नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी द्वितीय में क्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्रिया को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्रिया का मतलब होता क्या है। क्रिया का मतलब काम करना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना। जैसे देखिए, सामने हमारे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए यह एक बड़ा मैदान है। यहाँ लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं, बूढ़े लोग बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, लड़के व्यायाम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पर कोयल बैठी है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, दूर कुछ लोग परिवार सहित बैठे हैं। आपने देखा इस चित्र में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई न कोई कार्य हर कोई कर रहा है, जैसे खेल रही हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठी है, उड़ रही है, बैठे हैं। ये सभी शब्द किसी काम के होने की ओर संकेत देते हैं, इन्हें ही क्रिया रूप माना जाता है। काम के करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। अगर आपको परिभाषा पूछ ली जाए कि क्रिया हम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। धातु जैसे खा, गा, पी, जा, सुन, बोल, पढ़, लिख, तो इनको बोलते हैं धातु। और उसमें ना लगते क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। एक देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना क्या है, क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्या हो गई, क्रिया। शेर दहाड़ रहा है तो दहाड़ना क्या हो गई, क्रिया। नेक्स्ट देखिए, रजनी नृत्य करती है तो नृत्य करना क्या हो गई, इसकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, बच्चा बीमार है तो होना क्या हो गई, क्रिया। पक्षी सुंदर है तो होना क्या हो गई, क्रिया। पत्ते हिलते हैं तो हिलना क्या हो गई, इसकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, कल मंगलवार था तो था या होना क्या हो गई, इसकी क्रिया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्रिया क्या होती, किसी शब्द से कार्य के करने या होने का पता चलता है तो वो क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आप, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ये चीज हमने अभी पढ़ी थी, खा, पी, गा, सुन, और उसके पीछे ना लगने से क्या बन जाता है, धातु से क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। देखिए, इन वाक्यों में लिखना, सुनना, धोना, गाना और दौड़ना क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इनमें से किसी न किसी काम के होने अथवा करने का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं में लिख, सुन, धो, गा, दौड़ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं, यानी स्टार्टिंग रूप। उसके बाद में हमने इसमें चेंज किया, सुनना, गाना, बोना, रोना, धोना, जाना, जा रही है, खा रही है, पी रही है ना, ऐसे हमने अपने हिसाब से चेंज किया। लेकिन इसका जो मूल रूप होता है, स्टार्टिंग रूप होता है, वो जो कहलाता है उसको कहते हैं धातु। जैसे गा, सुन, धो, नाच, ना। तो क्रिया के भेद, क्रिया को निम्नलिखित दो भेद होते हैं क्रिया के, एक तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। क्रिया के उपयुक्त दोनों भेद किसके आधार पर माने गए हैं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताओगे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, क्रिया के उपयुक्त दोनों भेद वो किसके आधार पर बांटे गए हैं, कर्म के आधार पर। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिस पर कार्य का प्रभाव करने वाले पे यानी कर्ता पे पड़ता है, वहां पर कोई कर्म नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, सुरेश दौड़ रहा है ना, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सुरेश पर, तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया।
अभिनव हंस रहा है, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ता है? अभिनव पर। अभिनव कर्ता हो गया और हंसना क्रिया हो गई। हमारे सामने वाक्य में सिर्फ दो ही चीजें हमें दिखाई गई है, कर्ता और क्रिया। इन वाक्यों में दौड़ना एवं हंसना क्रिया का सीधा फल कर्ता यानी सुरेश और अभिनव पर पड़ रहा है, अतएव ये अकर्मक क्रियाएं हैं। देखिए अकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, बीमार रो रहा है, तैराक तैर रहा है, चपरासी खड़ा है, बुढ़िया टहल रही है, नर्मदा स्कूल जा रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों में कर्म न होने से क्रिया के व्यापार का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे बीमार, तैराक, चपरासी, बुढ़िया और नर्मदा, ये क्या है? कर्ता शब्द है। तो ये जो क्रियाएं हो रही है वो सिर्फ इन कर्ता के ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, यानी जहां पर कर्म नहीं होता। एक उदाहरण देखिए, जैसे राम खाता है, यानी खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। राम कर्ता हो गया और खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा कि राम क्या खा रहा है। अगर हमें क्या शब्द का अगर आंसर मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है? कर्म होता है। अगर मैं बोल दूं राम आम खाता है, तो राम क्या खा रहा है? आम। तो आम क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अकर्मक क्रिया अपनी हो गई है, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के करने या होने का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीरा आम खा रही है, वाक्य में खाने की क्रिया का फल कर्म आम पर पड़ रहा है, अतः खा रही क्रिया सकर्मक क्रिया है। तो खाने की का फल किस पर पड़ दे? देखिए नीरा आम खा रही है, तो नीरा हो गई कर्ता, खा रही क्या हो गई? क्रिया। अब वो क्या चीज खा रही है? आम खा रही है, तो आम के ऊपर उसका खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो आम शब्द आ जाने से ये क्या, कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, मीरा पुस्तक पढ़ती है। अगर मैं पुस्तक हटा दूं, मीरा पढ़ती है, तो हमारे पास कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अगर ये लिखा हुआ है मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो हम प्रश्न पूछेंगे कि मीरा क्या पढ़ती है? हमें आंसर मिल रहा है कि मीरा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो पढ़ने का फल कर्म पुस्तक पर पड़ रहा है। रीता टीवी देखती है, रीता क्या देखती है? रीता टीवी देखती है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? टीवी, यानी देखने का कार्य वो क्या कर रही है? टीवी को देखने का कार्य कर रही है। तो टीवी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कल्पना कविता याद करती है, यहाँ कविता कर्म है और क्रिया का फल कर्म कविता पर पड़ रहा है। कार्तिक गाना गाता है, तो यहाँ पर कर्म कौन सा हो गया? गाना, क्योंकि गाता तो क्रिया हो गई और कार्तिक क्या हो गया? कर्ता, यानी करने वाला। कर्ता किसको बोलते हैं? जो कार्य कर रहा होता है, सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट होता है। गाता ये वर्ब होती है अपनी, और गाना जिसको हम कर्म बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है ना अपने इंग्लिश में, वैसा ही हिंदी में है। ठीक है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, यहाँ पाठ क्या हो गया? कर्म। अगर मैं बोल दूं सिर्फ शिक्षक पढ़ाता है, तो सिर्फ पढ़ने की क्रिया हो रही है, और कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक। तो पढ़ाने की क्रिया का पूरा फल है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन मैंने बीच में पढ़ाता से पहले क्या शब्द लेके आई? पाठ, यानी शिक्षक क्या पढ़ाता है? शिक्षक पाठ पढ़ाता है। तो ये पाठ शब्द क्या हो गया? कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किनको और किन्हें प्रश्न कीजिए। प्रश्न के उत्तर में यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम पद आता है, तो उसका अर्थ है कि वहां कर्म है, अतः वह क्रिया सकर्मक है। यदि प्रश्न पूछने पर कुछ नहीं आता, तो स्पष्ट है कि उस वाक्य में कर्म नहीं है, अतः वह क्रिया अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं सोता हूँ, वाक्य पर प्रश्न कीजिए, क्या सोता है? उत्तर कुछ नहीं आएगा, मतलब क्या सोता है? कुछ भी सो सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि सोता हूँ एक अकर्मक क्रिया है। मैं कबड्डी खेलता हूँ, यहाँ प्रश्न कीजिए, क्या खेलता हूँ? उत्तर आता है कबड्डी। तो उत्तर कबड्डी आने पर अब इसका क्या उत्तर आया अपने पास? इसका उत्तर आया कबड्डी। तो इसका अर्थ है खेलता हूं कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमारे पास उत्तर आया है कबड्डी।
इस तरीके से हमने सकर्मक और अकर्मक के क्रिया के अंतर को जाना। अब आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, अब यहां तक हमने तो पढ़ लिया था कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर कि कर्म होता है, ये बात हमने पता लगा ली। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां पर दो कर्म होते हैं, जैसे शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो एक तो बच्चों को, तो एक तो बच्चों हो गए और एक हो गया पुस्तक, ये दोनों कर्म होंगे। कि शिक्षक किसको पुस्तक पढ़ाता है, तो उसका आंसर आ गया बच्चों को। शिक्षक बच्चों को क्या क्या और किसको, दोनों का आंसर हमें मिल जाता है, तो वहां पर द्विकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाता है, तो क्या शब्द का हमें क्या उत्तर मिला, पुस्तक। शिक्षक पुस्तक किसको पढ़ाता है, तो हमें आंसर मिला बच्चों को। तो इस तरीके से क्या और किसके दोनों का हमें आंसर मिल रहा है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक तो है, पर सकर्मक में भी कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक, क्योंकि यहाँ पर दो कर्म है। वाक्य में बच्चों को और पुस्तक, ये दो कर्म है। यदि हम प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है पुस्तक, और किसे या किसको पढ़ा रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है बच्चों को। इस प्रकार दो कर्म होने के कारण वाक्य क्या होगा, द्विकर्मक होगा। अब देखिए, जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। जिस क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं, देखिए। तो इस प्रकार देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म छांट कर लिखिए। चौकीदार ने कुत्ते को पीटा, तो यहाँ पर चौकीदार कर्ता हो गया, पीटना उसका क्रिया हो गई, और कुत्ते को क्या हो गया, उसका कर्म। लड़की ने पुरस्कार जीता, तो लड़की क्या हो गई, कर्ता। जीतना क्या हो गई, क्रिया, वो पुरस्कार उसका हो गया कर्म। माँ कपड़े धोती है, तो धोना क्या हो गया, क्रिया, माँ कर्ता, और कपड़े क्या हो गया, उसका कर्म। बच्चे खीर खा रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता। खाना क्या हो गई, क्रिया, और खीर क्या हो गया, कर्म। अध्यापक ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो इसमें छात्र को और गणित, ये हमारे पास दो कर्म आ गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। वह बहुत दिन बाद लौटे, अपने भाई को देखकर वह रो पड़ा। वह सिर पर रखकर एक गठरी लाया या लाई। सोहन दरवाजा खोलकर बाहर जाओ। बच्चा किसके साथ आया, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो ये हो गए अपना सेकंड नंबर वाली जो धातु से हमें बनानी थी क्रिया, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। मुझे जाना है, ये होगी हमारे अकर्मक क्रिया। ईशा पुस्तक पढ़ती है, ये होगी हमारे सकर्मक क्रिया। हम इसको इससे मिला देते हैं जिससे अपने को सुविधा हो जाए। तो मुझे जाना है अकर्मक, ईशा पुस्तक पढ़ती है सकर्मक, भावना देर तक सोती है ये अकर्मक, स्नेहा तैरती है ये अकर्मक, आगे देखिए राघव खाना खाने गया सकर्मक, और नेक्स्ट है मेघना सोती है ये अपने अकर्मक। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया पर टिक लगाइए। फर्स्ट है उसमें हम डांटना, डांटना हमारी अकर्मक क्रिया है। बाकी पढ़ना, खाना और खेलना सकर्मक क्रियाओं में आएगी। तैरना हमारी अकर्मक क्रिया है। तोड़ना, जोड़ना, सीना, ये हमारी सिर्फ क्रिया दे रखी है। नेक्स्ट, फोड़ना, फूटना, खांसना और पिलाना, यहाँ पर खांसना क्या होगी, अकर्मक क्रिया। फूंकना, फेंकना, समेटना और मरना, मरना हमारी अकर्मक क्रिया होगी। झेलना, बुलाना, लिखना, नहाना, ये भी हमारी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। पढ़ना, याद करना, भूलना और बैठना, बैठना होगी हमारी अकर्मक क्रिया। इसी तरीके से हमें सकर्मक क्रिया छांटनी है। फर्स्ट वाले में हमारी पहनना सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, उतारना हमारी सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, बजाना सकर्मक क्रिया होगी, और उससे नेक्स्ट सुनना सकर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से हमारा क्रिया का चैप्टर एंड होता है।
आपको इसके पीडीएफ भेज दी जाएगी, उसको आप समझिए, देखिए और लिखकर अपनी टीचर्स को इसका पीडीएफ भेजिए, ठीक है? धन्यवाद।